खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये पंक्तियां मेरे दादाजी की जुबान से अक्सर मेरे लिए निकला करती थी। उनका मेरे प्रति सच्चा प्रेम और लाड दुलार था, जैसे कि हर माँ बाप का अपने बच्चों के लिए होता है। अक्सर वे सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी हासिल करे, कोई बड़ा अधिकारी बने, समाज में सम्मान पा सके और सुखी जीवन जी सके। उसी का हिस्सा था मेरे दादाजी का मेरे बारे में ऐसा सोचना। मैं अपने दादाजी के हर बात को बड़ा गौर से सुना करता था, बहुत सम्मान करता था, लेकिन जब बात खेल कूद की आती तो मैं अक्सर उन्हें गच्चा दे जाता, उनसे आंखें चुराकर कभी कबड्डी, कभी चिक्का, कभी फुटबॉल, कभी वॉलीबॉल या कोई अन्य खेल शाम को खूब खेला करता। और शाम को जब मैं पढ़ने बैठता तो दूसरों की अपेक्षा ज्यादा ग्रहण करता, जिसके कारण अपने कक्षा में भी प्रथम आता, कभी बीमार नहीं पड़ता और हर काम खूब जोश और जुनून के साथ करता, जिसके कारण शिक्षक से लेकर बड़ों तक का मेरे प्रति ज्यादा स्नेह और आशीर्वाद मिलता। और आज उसी स्नेह और आशीर्वाद का परिणाम है कि आज मैं एक शिक्षक हूँ और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ और समाज व राष्ट्र की सेवा के लिए कृत संकल्पित हूँ। नमस्कार। आज 29 अगस्त है, राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। खुशी के इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, देश की युवा शक्ति को खेल के प्रति अपनी रुचि और सहभागिता बढ़ाने तथा खेल की दुनिया में अपना करियर बनाने तथा अपने देश का परचम लहराने की शुभकामनाएं देता हूं। खेल मनुष्य की मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी तो है ही, यह व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता को भी गढ़ता है। अतएव जो व्यक्ति कोई न कोई खेल खेलता है वह स्वस्थ और तंदुरुस्त तो रहता ही है, मानसिक रूप से भी मजबूत होता है और अपने जीवन में भी सफलता का कई मुकाम हासिल करता है। भारत में कई खेल प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, उनमें से उरन परी के नाम से मशहूर पीटी उषा, क्रिकेट के भगवान के नाम से सचिन तेंदुलकर, तो हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद को कौन नहीं जानता। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को विशेष आदर व सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, हुआ था। सेना में 16 वर्ष की आयु में एक सिपाही के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। अपने अदम्य साहस और कठिन मेहनत के दम पर भारतीय हॉकी में विशेष दक्षता हासिल की और 1928, 1932 और 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में देश को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया और हॉकी की दुनिया में हैट्रिक भी लगाया, जिसके कारण ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। ध्यानचंद ने अपने करिश्माई हॉकी खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर को भी अपना कायल बना दिया था। भारत में खेल प्राचीन काल से आधुनिक काल तक परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी चौपर, द्योत कीड़ा, रथ दौड़, निशानेबाजी प्रतियोगिता का वर्णन मिलता है।
वर्तमान सरकार ने खेल की अहमियत को समझते हुए विद्यालयों में खेल की गतिविधियों को अनिवार्य कर दिया है। अब हर बच्चे को किसी न किसी खेल में भाग लेना अनिवार्य हो गया है। यह बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक कदम है, ताकि वह सही रूप से विकसित हो सके और उनमें खेल भावना, सत्य के प्रति निष्ठा, हिम्मत व साहस और टीम वर्क की भावना का निर्माण हो सके। आजकल खेल में भी सफल जीवन जीने और सुंदर भविष्य बनाने के शानदार मौके मौजूद हैं। उत्कृष्ट खेलों के द्वारा नौकरी प्राप्त करने के अवसर भी उपलब्ध हैं। खेल व्यक्ति के जीवन संवारने के साथ साथ देश को भी काफी लाभ पहुंचा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में भी खेल अच्छा काम कर रहा है। इतना ही नहीं, खेल देश के नागरिकों को एकता के धागे में पिरोने का भी काम करता है। खेल से हर देश अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और देश के नागरिक एक दूसरे का समर्थन और आगे बढ़ने की हौसला अफजाई करते नजर आते हैं और मिली जीत पर इकट्ठे मिलकर सभी जश्न भी मनाते हैं। अतएव खेल देश में देशभक्ति की भावना को भी जगाता है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल का अपना अलग ही महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच आपसी तनाव को खत्म कर प्रेम भाईचारे और सौहार्द के माहौल में व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते जोड़ने तथा मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। आज विश्व के मानचित्र पर खेलों की दुनिया में भारत निरंतर नया इतिहास गढ़ रहा है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का तिरंगा पूरे विश्व पर लहराया। सौरभ चौधरी एशियन गेम्स में पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल की। पीवी सिंधु BWF विश्व बैडमिंटन में स्वर्ण पदक से भारत का नाम रोशन किया। आदि आदि ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। आज हमारे खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धियों का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है और आगे भी उनका विजय रथ बढ़ता ही जा रहा है। ओ देश जो कल तक भारत को सांप और सपेरों का और जादू टोनों वाला देश कहते थे, आज वे भारतीय खेल उपलब्धियों पर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जब हम खेल के क्षेत्र में प्राप्त भारतीय मेडलों की संख्या पर नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि यह संख्या दिन दूनी रात सौगुनी के रफ्तार से आगे बढ़ते ही जा रही है, और उसमें भी भारत का छोटा सा प्रदेश हरियाणा की बात ही निराली है। कुल भारतीय मेडलों की संख्या में हरियाणा 50-60% मेडल अकेले जीत कर लाता है। हरियाणा की यह उपलब्धि वहां के लोगों और राज्य सरकार के द्वारा खेल के लिए संघर्ष और उनका खेल प्रेम को दर्शाता है। लेकिन जब हम खेलों की दुनिया में बिहार का नाम ढूंढते हैं तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता, जो कि बिहार प्रदेश के लिए गंभीर चिंता का विषय है और यह बिहार के पिछड़ेपन का प्रमुख कारणों में से एक है। यह बिहार सरकार और प्रदेश के लोगों का खेल के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। खेल के क्षेत्र में बिहार भी अपनी उत्कृष्टता सिद्ध करे, इसके लिए राज्य सरकार और प्रदेश के लोगों को जमीनी स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम करना होगा, खेल संस्कृति को विकसित करना होगा। इसके लिए स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर स्पोर्ट्स क्लब और खेल का मैदान का निर्माण करना होगा। बच्चों को खेल प्रशिक्षण के लिए कोच की नियुक्ति करनी होगी। बड़े स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना होगा। खेल के प्रति प्रदेश के लोगों में रुचि जगे, इसके लिए खेल जनजागरूकता अभियान चलाना होगा। आइए
आइए हम और आप इस संकल्प के साथ बिहार प्रदेश को खेल की दुनिया में आगे बढ़ाने का प्रण लें। जीतेंगे हम यह खुद से वादा करें। मुश्किल कुछ भी नहीं, कोशिश थोड़ा ज्यादा करें, ताकि खेल की दुनिया में अपना बिहार प्रदेश अच्छा करे। आपने धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।